सारी चीजें बाद में रखा के अब अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी टू शो दैट अ केमिकल सब्सटेंस कैन नॉट बर्न बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी से ये प्रूव करना है कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से, जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल जाता है तब तक वो सब्सटेंस बर्न नहीं करता है। इसमें देखिए इस एक्टिविटी में मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर है, वाटर, कैंडल्स, टू शीट्स ऑफ पेपर फॉर पेपर कप्स। इसका प्रोसीजर ये है कि आपको दो पेपर लेने हैं, उन दो पेपर का पेपर कप्स बना दीजिए, फिर उसमें से एक पेपर के अंदर 50 ml वाटर डाल दीजिए, दूसरे को ऐसे ही एम्प्टी रखिए, फिर दोनों कप्स को एक जलती हुई कैंडल के वहाँ लेके जाइए। तो आप इसमें क्या एनालाइज करोगे, ऑब्जर्वेशन ये है, द एम्प्टी पेपर कप बर्न्स रैपिडली विद द वाटर व्हाइल द वाटर बिकम्स हॉट इन अनदर कप। जो एम्प्टी कप है वो रैपिडली जल्दी से जल जाएगा, जबकि जो वाटर वाला कप है ये बर्न नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, वाटर जो है बर्न हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसको जो इग्निशन टेम्परेचर क्या है मिल गया, इसलिए बर्न हो गया। लेकिन इसमें जो वाटर डाला हुआ था, इसको इस कैंडल से जो इसको हीट मिल रही है वो देखिए हीट जो है वाटर को ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के थ्रू, तो वो हीट वाटर को मिल रही है, इस पेपर को नहीं मिल रही है। इसके कारण इसको जो है अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया, और जब इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो कम्बस्टेबल नहीं होगा, वो बर्न नहीं करेगा। लेकिन द अबव एक्टिविटी द कप विद वाटर डज नॉट बर्न बिकॉज द हीट सप्लाई टू इट ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया। अब देखिए दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि टेट केरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपके रूम में वुड होता है, जैसे फर्नीचर बना हुआ है, तो फर्नीचर अपने आप ही रूम टेम्परेचर में क्यों नहीं बर्न क्यों नहीं होता है, वो यही रीजन है। लेकिन अगर आप जो है केरोसिन को हीट करोगे, थोड़ा सा भी हीट करोगे, तो वो फायर को कैच कर लेता है। डज द सेम हैपन विथ वुड, क्या सेम वैसा ही वुड के साथ होता है, सब्सटेंसेस विच कैच फायर एट वेरी लो टेम्परेचर एंड बर्न विथ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो क्या है लो टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं और फ्लेम के साथ जलते हैं, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल है LPG, पेट्रोलियम स्पिरिट, केरोसिन और आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये LPG, केरोसिन, स्पिरिट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। फिर हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अपन फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। समटाइम्स इन समर्स में क्या होता है, यू मे हियर डेट फायर ब्रोकन फर्स्ट फॉरेस्ट, दिस इज ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स एंड बाई फ्रिक्शन ऑफ देयर लीव्स। समटाइम्स इट मे हैपन दैट बाय शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ बिल्डिंग कैचेस फायर, समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर, फायर अकर्स इन द हाउस एंड द पर्सन इज कॉट बाय इट। ऑल दिस वॉन्टेड आर अनवॉन्टेड फायर्स, दे शुड बी एक्सटिंग्विश्ड इमीडिएटली। For this purpose, a fire brigade or a fireman is called. They extinguish fire either by pouring water or using fire extinguishers. So, how do we control fire? जैसा कि इस टॉपिक में दिया गया है, अपन फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो देखिए, जब पहले समर्स के सीजन क्या होता है, कभी कभार क्या होता था कि आपने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, वो क्यों लगती है, कैसे होता है, तो वो देखिए, क्योंकि जो प्लांट्स के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर लीव्स का जो फ्रिक्शन है, उसके कारण जो है फॉरेस्ट में आग लग जाती थी, या फिर कभी कभार जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, या फिर कभी घरों में सिलेंडर का एक्सप्लोड हो जाता है तो पूरे घर में क्या है आग लग जाती है, और उसमें से कोई ना कोई उसकी चपेट में आ ही जाता है कोई पर्सन। तो ये सारी है अनवॉन्टेड फायर्स है, तो इन अनवॉन्टेड फायर्स को जल्द ही क्या इमीडिएटली बुझा देना चाहिए। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए अपन फायर ब्रिगेड या फायरमैन को बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, फायर को बुझाएंगे या तो पानी डाल के या फिर यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करके, मतलब आग बुझाने वाले कुछ आते हैं उनसे जो क्या है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स को, फायर एक्सटिंग्विशर्स से आग बुझा सकते हैं, या तो वाटर डाल के या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करके। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स। वाटर क्या है, सबसे बेस्ट चीपेस्ट और ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। बाय पोरिंग वाटर
ओवर द कम्बस्टेबल मटेरियल, जो कम्बस्टेबल मटेरियल जैसे जहाँ पे आग लगी, अगर आपने उसके ऊपर वाटर डाल दिया तो उसका टेम्परेचर क्या है आप नीचे ला सकते हैं, उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और वो कूल हो जाएगा। लोअर टेम्परेचर और कूलिंग डाउन ब्रिंग्स द कम्बस्टेबल मटेरियल्स बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। अगर आपने उसको पानी डाला, इसका मतलब जो आप उसका टेम्परेचर लो कर रहे हो, टेम्परेचर लो कर रहे हो तो क्या उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, उसको इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आ रहे हो। जब इग्निशन टेम्परेचर होगा ही नहीं तो सब्सटेंस कैसे बर्न करेगा। इन एडिशन टू दिस, वाटर वेपर सराउंड्स द कम्बस्टेबल मटेरियल विच स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ एयर। वाटर वेपर्स होती है ना, वो कम्बस्टेबल मटेरियल के ऊपर उसको चारों ओर सराउंड कर देता है, जिससे कि क्या उसको एयर की सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर कम्बशन की नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि सप्लाई उसको है एयर की मिलती रहनी चाहिए, अगर उसको एयर नहीं मिलेगी तो वो कम्बस्टेबल कैसे कम्बस्ट करेगा। रिमूवल ऑफ दीज टू कंडीशन पुट ऑफ द फायर, इससे क्या है जो आग क्या है बुझ जाएगी। दिस इज द कॉज दैट फायरमैन पोर वाटर ओवर द मटेरियल्स विच हैव कॉज फायर। यही रीजन है कि जो फायर ब्रिगेड आती है, फायरमैन आते हैं, वो उस आग जहाँ लगी है वहाँ पे पानी ही डालते हैं। फिर वाटर कैन नॉट बी यूज एवरी टाइम इन ईच केस, लेकिन हर केस में क्या है वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फायर इज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, जब आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप उसको पानी के थ्रू बुझा नहीं सकते। बिकॉज अ पर्सन एक्सटिंग्विशिंग फायर मे गेट शॉक, जो आग को बुझा रहा है उसे भी क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गैस सिलेंडर यूज करेंगे। एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर, अगेन वाटर कैन नॉट बी अ एक्सटिंग फायर एक्सटिंग्विशर, गुड एक्सटिंग्विशर। अगर जो है सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ है तभी भी क्या है वाटर को यूज में नहीं ले सकते। फॉर फायर ऑफ पेट्रोल और एनी अदर ऑयल्स, अगेन वाटर कैन नॉट बी यूज। अगर आग जैसे पेट्रोल या फिर ऑयल के कारण लगी है तो भी आप जो है पेट्रोल वाटर को यूज़ में नहीं ले सकते। एंड अदर ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, व्हेन यू योर पोर वाटर ऑन देम दे विल फ्लोट ओवर वाटर। जब आप उसके अंदर वाटर डालोगे तो क्या वो पानी उसके अंदर फ्लोट होने ही लग जाएगा। तो इन चीज़ों में क्या आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप कुछ उसका जो है अल्टरनेट सोर्स देखोगे। यू हैव सी थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर बर्निंग, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। जैसे थ्री कंडीशंस आपने देखा था नेसेसरी होती हैं, अगर आपने उसमें से एक कंडीशन को भी हटा दिया तो क्या कम्बशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट के अंदर आग लगी है, डेट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, जो कैसे उसको बुझा सकते हैं आप क्या हेलीकॉप्टर के थ्रू उसको पानी दे, या फिर आप आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करके भी हो जो है वहाँ की आग को बुझा सकते हो। लेकिन वाटर ब्रिंग इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, फायर एक्सटिंग्विशेस। वाटर जो क्या उसको इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आता है, जैसे आग बुझ जाती है। फायर ऑफ गैस सिलेंडर ऑयल एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज बाय स्प्रे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब जो ये शॉर्ट सर्किट या फिर गैस सिलेंडर के कारण आग लगती है तो जो उसको है कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम्बशन को सपोर्ट नहीं करती है, इट ऑल्सो हैवियर देन एयर, एयर से हैवियर होती है, हैंड्स कवर्स मटेरियल विच इज बर्निंग, उस मटेरियल को कवर कर देता है जो बर्न हो रहा है, तो उस तक क्या एयर पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए वो क्या है मटेरियल जलना बंद हो जाएगा। बाय कवरिंग द मटेरियल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज स्टॉप्ड, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। दिस पुट्स ऑफ द फर्दर कम्बशन एंड फायर इज कंट्रोल, इससे क्या आग कंट्रोल में हो जाती है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर तक, अगले लेक्चर में अपन वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे।